सभी यूट्यूबर व्यूअर को मेरा नमस्कार। एक और सक्सेस स्टोरी, 10 साल की ओसीडी बिना दवाई हुई ठीक, साफ सफाई की थी दिक्कत, इन्होंने दवाइयां भी लेकर के देख ली और बहुत सारा इलाज भी उन्होंने करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन साइको गुरु टीम से जब इनकी चंद ऑनलाइन क्लास हुई तो ये आज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आइए जानते हैं इन्हीं के मुख से इन्हीं का अनुभव। जी, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हाँ सर, बोले जी। तो आप सभी व्यूवर को बताइए कि आपको किस प्रकार की ओसीडी थी, क्या क्या लक्षण थे? हमारा सर ओसीडी ये था कि मतलब हमारा ओसीडी में लक्षण था बार बार सफाई करना, हमारे बेड पर कोई बैठ जाए तो हम बेड को साफ करते थे, उसके बाद कपड़ा अगर हमारा कोई छूट गया तो पूरा कपड़ा को धुलाई करते थे, उसके बाद अगर बाथरूम धो दिया तो आधा दिन तो हमको बाथरूम में नहाने में साफ करने में लग जाता था, खिड़की पोछना, स्विच बोर्ड पोछना, मोबाइल पोछना, ये सब बनने में लगता है, सब पोछते थे सर। और उसके बाद में सब पोछते थे, उसके बाद में आप यूपी से आए, हमको गंदगी लग गया, केवाड़ी छुआ, ताला खोना, उसके बाद में अब उस सबको धोना, फिर नहाना, कपड़ा धोना, ये सब करना पड़ता था सर। ये सब करने के बाद में सब संतुष्टि मिलती, फिर सुबह में वही हाल हो जाता था, जैसे थे वैसी हो जाता था, फिर सुबह में निकले तो फिर लगा कि कुत्ता चला गया करीब से तो हम नापाक हो गए, गाड़ी कचरा का चला गया तो हम नापाक हो गए। इस तरह से हमारी ऑफिस दो घंटा लेट हो जाता था, ऑफिस में बहुत सारे हमको बात सुनना पड़ता था सर। जी 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 हाँ, ऑफिस में बात सुनना पड़ता था, ऑफिस लेट हो जाती थी, कहीं कहीं भी तो एब्सेंट होना पड़ता था, तो ड्यूटी से एब्सेंट कर दिया जाता था, कितना लेट करके आ रहे हो, या अगर ऑफिसर कभी कभी बोलते थे ठीक है कल से ठीक आओगे, मगर कहाँ ठीक होता था सर, ठीक ही नहीं। अब हमारा आदत बन जाता, नहाने का टाइम अभी नहीं हुआ, एक बल्टी से नहीं हुआ, दो बल्टी नहीं हुआ, यहाँ अब ऑफिस में गए, मुंह धोया, अब लगा कि पैर पे छींटा पड़ गया, अब पैर धोया, अब पैर पे छींटा पड़ने के बाद लग रहा कि कपड़ा पर गिर गया, अब कपड़ा तो ऑफिस में धो नहीं सकते सर, अब शाम में आके सबको धुलाई करना पड़ता था। जी जी ये सब बहुत प्रॉब्लम। उसके बाद में फिर हम आपका यूट्यूब देखा, देखने के बाद में आप ये सारे सिस्टम समझा रहे थे कि हम ओसीडी के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी कि ओसीडी होता क्या है, ओसीडी है क्या, तो हम बहुत सारे साइकिस्ट के डॉक्टर के पास गए तो हम बोला कि सर हमको तो बार बार मेरा हाथ देखिए हाथ ऐसा हो गया, धोते धोते पैर ऐसा हो गया, सर सब चमड़ा ही हो गया, ये हो जाता है दागे का जी। तो हाँ, तो हम उनको धोया तो बोले कि ठीक है दवा आपको दे देते हैं, आप खाइए दवा, तो 20 पावर का दे दिए, 2 महीना खा के आइए, 3 महीना खा के आइए, फिर भाई खा के गए, फिर बोले कि सर कुछ हमको फर्क नहीं पड़ा, फिर 2-3 महीना का दे दे, फिर 2 महीना के बाद आइए, इस तरह कर करके साल भर तक दवा खाए, कोई फायदा नहीं हुआ जी। फिर वो डॉक्टर को छोड़ दिया साल भर दवा खा के, फिर उससे अच्छा डॉक्टर डायलिसिस वाले के पास लेके, हो सकता है यहाँ से ठीक हो जाए जी, वहाँ जा रहे वहाँ भी वही हाल जी। इस तरह से कम हम तो 5-6 साल तक खाली दवाई खाए, उसके बाद फिर होम्योपैथिक में हम चले गए जी, फिर होम्योपैथिक में बहुत सारे यूट्यूब में दवा दिखाता है ये खाने से ठीक हो जाए, तब तो बोला कि यूट्यूब में तो हम ये दवा वो दवा होम्योपैथिक का तो दवा खा चुके हैं, कहीं से तो हमारा ठीक नहीं हो रहा है जी। उसके बाद में आपका जब हम फोन लिया जी, वो यूट्यूब जब हम देख रहे तो देखते देखते जगह कि राजेंद्र जी पुड़िया का मतलब ओसीडी का बता रहे थे, हम उसको बड़ा गौर से दिखा, 10 आपका वीडियो देखा जी, देखने के बाद ये सिस्टम आप जो मेरे अंदर था उस सिस्टम के बारे में आप बता रहे थे कि अगर आपका मन में अटक जाता है या जैसे आपका विचार मन में अटक गया इसका ये है ऑनलाइन इसका इलाज है, ये सब आपसे बता रहे थे, तो हमको बोला कि इस तरह का तो परेशानी हमारे साथ है, आप साइकेट्रिस्ट के पास देख गए तो साइकेट्रिस्ट को बोलना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, ये बात लोग नहीं करनी बोला, तो आपके द्वारा जब साइकोलॉजिस्ट का सुना जैसे कि साइकोलॉजिस्ट भी ठीक हो सकता है, तो हम बोला कि साइकेट्रिस्ट दिखा लिया, होम्योपैथी का दवा खा लिया, तो एक बार साइकोलॉजिस्ट से दिखा लें, तब देखिए कि आपसे बात किए तो आपका जो थे वो उन्होंने बोला कि ठीक है सर से बात करने के लिए आपको 500 रुपये जमा करना पड़ेगा, पैसा दिया, सुबह सुबह में आपका बोला कि आपको 100% सर अब ठीक होना है, मतलब सर कैसे ठीक हो गया है, तो मैं दवा पानी में कहीं से तो ठीक नहीं हुआ जी। तो आप बोले कि नहीं एकदम आप सर जी आपको ठीक होना है जी, हम थोड़ा मन में कंफ्यूज थे कि सर के बोलने की ठीक होने आदमी दवा देने की क्या करें कैसे ठीक करेंगे हमको तो पता नहीं है जी, इसलिए आपने बहुत कुछ हमको बताया जी, उसको हमने किया, करने के बाद आज के दिन में हम माशाल्लाह पूरा ठीक है सर जी जी, बहुत आपकी पूरी टीम को हम इसके दिल से दुआ देते हैं कि आप लोग बड़े सुने और लाखों ऐसे जो एसटीडी वाले हैं उनको आप ठीक करें जी। हाँ, साथ साथ आपकी पूरी टीम को मेरा साथ दुआ आपके साथ है सर, और क्या बोलेंगे, इतना 5-10 साल से हम परेशान थे, घर में सारे लोग परेशान, दवा दुकान
सर खाते तो छिपा छिपा के, घर वाले लोग से डांट सुनना पड़ता था, कितना दवा खाते हो, पागल हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, तो अब उसको हमको छिपा कर ले जाना पड़ता था ऑफिस में दवा। जी मेरे पास तो कम से 30-40 तो खाली कागज होगा सर साइकेट्रिस्ट का। अच्छा जी, तो उसके बाद में वो क्या राजेश जैन ना क्या, तो उनका भी कुछ यूट्यूब देख रहे थे, राकेश जैन जी, ऐसे करो ऐसे करो, तो उनके कहने तो बहुत कुछ किया मगर हमसे उसको कोई फायदा नहीं हुआ। आपने जो बताया करने का तरीका उस तरीके से हमको फायदा हुआ। आपने जैसे बोला इसको छुओ, कंगी को छुओ, गंदा को छुओ, उससे छुओ, आप देखिए वो सब चीज नहीं होता, कुमारी छू देते हैं, जंगला छू देते हैं या कोई चीज छू देते, पहले एक चीज छू दिया तो दूसरा चीज छूने के लिए हाथ धोना पड़ता था जी, कभी कपड़ा छूना है तो हाथ धो के करना है, बहुत सारी चीज को करना पड़ता, आज के डेट में सब चीज नहीं है सर जी। आज आप ठीक हो चुके हैं और कैसा महसूस हो रहा है आपको? आप तो सर पूरा कॉन्फिडेंस है, आप तो बोली है कि बहुत खुश है सर, तो खुश तो होने की बात ही है ना सर। जो आदमी 10 साल से परेशान रहे सब बीमारी लेके आई और उसको नहीं जानकारी के वजह से, वो तो आपका मेहरबानी है कि आपने यूट्यूब पर बताया सारा कुछ, आदमी आपके पास गया बोल के ठीक हुआ, नहीं तो मैं बस यही सेकेटिस का दवाई खाते खाते जिंदगी गुजरता, लास्ट में 10 साल इलाज कराने के बाद नहीं ठीक होने के बाद तो क्या करेगा, गाड़ी जो करो दवा छोड़ ही देगा जी। जी अगर थोड़ा भी अगर उसमें हमको फायदा होता तो हम दवा करते रहते, फायदा ही नहीं था कुछ जी। इतने एक दिन ऐसी लेटे हुए थे तो चला रहे थे, चलाते चलाते आपका आ गया तो देखने लगे, हम बोला कि सर को फोन करके देखते हैं, साइकेटिस्ट को देखा है, एक बार साइकेटिस्ट से बात करते हैं जी, आपसे बात करने के बाद हम कामयाब है सर जी। तो आप अंत में जिनको भी ओसीडी डिप्रेशन है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? आपके मन में भी उदासी वाले विचार आए थे, आप भी हताश निराश हुए थे जिंदगी में? हाँ सर, अरे निराश में जिंदगी नर्क हो जाता है सर जी। अभी आप तो सर ऐसा हो गया था ना कि अगर हमको शक हो गया कोई सामान तो हम जैसे सब्जी लेके आ रहे हैं जी, अब घर वाले को तो हम नहीं बोला, घर वाला बोला सब्जी, अब हमको शक हो गया हमको कुत्ता खेल गया, अब वो सब्जी हम बोला और मेरी सब्जी भी गंदी हो गई, अब सब्जी दूसरे को दे देते थे सर। अच्छा जी। या हम खाना खा रहे हैं अगर हमको शक हो गया कि नहीं हम गंदे वाला हाथ से खाना, हाथ नहीं धोया, लास्ट में हमको खाना को ले जाके वो कुत्ता वगैरह को दे देते, इस किसी का था सर, बहुत परेशान थे जी। जी अब हम सब्जी लेके आ रहे हैं अगर हमको शक हो गया कि कुत्ता ठीक गया या पास हो गया गंदा हो गया या लग रहा है कि कुत्ता हमें ठोक गया सब्जी, उस सब्जी भी दे देते दूसरे को। अच्छा तो आप अंत में, अंत में सभी व्यूवर को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही देना चाहेंगे जिनको इस तरह का परेशानी है वो साइकोलिस्ट से मिले, जो आपका टीम का क्या नाम है साइको गुरु, जिनसे मिले, मिल इलाज कराए एकदम कंफर्मिंग के साथ, कोई 100% गारंटी के साथ वहां से सही हो जाएगा आदमी का बीमारी जी। जी तो जी सर, आज आपने सभी व्यूअर के साथ अपने अनुभव साझे किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साइको गुरु टीम हमेशा आपके साथ है, आप जिंदगी में आप खुशी से रहें और जिंदगी का आनंद मनाते रहें, यही शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। ओके सर, ओके सर।